साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ धाम में कई हिमयोगी हैं जो यहाँ पर 12 महीने योग ध्यान और तपस्या करते हैं। समय समय पर हम उन जो हिमयोगी हैं उनसे आपको मिलाते भी रहते हैं। कितना मुश्किल है इस धाम में योग ध्यान करना और क्या तकलीफ़ें आती हैं, क्या विचार है उन साधु महात्माओं के, उनसे आपको मिलाते हैं। एक पहले भी हमने ललित महाराज जी से आपको मिलाया था, दूसरी बार उनके विचारों को सुनिए और जानिए क्या है केदारनाथ और क्या है उनकी जो विचार हैं इस अलग अलग जो धर्म के मामले हैं उन पर। हिमालय अपने आप में आध्यात्म के रहस्यों से परिपूर्ण है और जो औषधियों के संपन्नता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें सभी प्रकार की दिव्य औषधियाँ हिमालय में पाई जाती हैं और हिमालय प्राचीन काल से ही रोगियों का स्थान रहा है, तो शायद हमारा अध्यात्म आज की तुलना में पहले बहुत ज़्यादा अत्यधिक संपन्न था, यानी पूर्ण था। पूर्ण तो अभी भी है, लेकिन वर्तमान में मानव की पहुँच से वो बाहर है। तो जिसको हम अपने साधना के अथक प्रयास और समर्पण के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और हिमालय एक दिव्य स्थान है, हिमालय एक अनुभवों से भरा हुआ स्थान है, यानी कि हिमालय आध्यात्म का एक संपूर्ण समुद्र है। आप कितने साल की तपस्या में, कितना अनुभव कैसा रहा यहाँ का? मनुष्य जीवन एक परमात्मा को पाने की एक यात्रा है और यात्रा में हम जितने आगे बढ़ते हैं प्रतिदिन नए अनुभव हमें मार्ग में मिलते हैं। इसी प्रकार से एक संत महात्मा के जीवन में प्रत्येक दिन नित्य नवीन अनुभूति होती है जो उसको परमात्मा से और अधिक निकट कर देती है। सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु आपस में सत्संग और धर्म की चर्चा कर रहे थे, उसी समय पर मध्य में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी ने उसके आदि का और भगवान विष्णु ने उसके अंत का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही असफल रहे। तो उनकी प्रार्थना के द्वारा उस दिव्य ज्योतिर्लिंग ने अपना रूप प्रकट किया, जो भगवान महादेव सदाशिव यानी कि बाबा केदार थे। तो उन्हीं के आदेश से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सृजन के लिए तपस्या प्रारंभ की, जो इसके पार्श्व भाग में ब्रह्म गुफा नामक एक दिव्य स्थान है, वहीं पर ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों की तपस्या की थी। तत्पश्चात उनको सृष्टि के सृजन का ज्ञान भान हुआ और उन्होंने सृष्टि का सृजन किया, यानी कि सृष्टि के आदिकाल के आदिलिंग भगवान श्री केदारनाथ हैं। उसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम यहाँ पर आए, अनेक अनेक ऋषि मुनि, महर्षि अगस्त के बारे में कहा जाता है कि जब वो दक्षिण भारत में गए तो सारे भारतवर्ष के ऋषि और आध्यात्मों को तराजू के एक पलड़े पर रख के महर्षि अगस्त दूसरे पलड़े पर थे, तो महर्षि अगस्त का पलड़ा भारी था। तो ऐसे महर्षि अगस्त भी बाबा केदार की शरण में ही रहे हैं, जो अगस्त मुनि नामक स्थान यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर है, तो जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं। और द्वापर युग में यहाँ पर पांडव आए, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति बाबा केदार की कृपा से ही की थी, जिसकी एक कथा भी प्रचलित है कि जो भैंस्य का पृष्ठ भाग है वो पांडव काल से ही यहाँ पर स्थापित है। हिमालय के पार्श्व भाग में स्थित भगवान श्री केदारनाथ जी की नगरी, केदार अर्थात शब्द का अर्थ है के और दार, के यानी कि दलदल भूमि, के मतलब दलदल, दार मतलब भूमि, तो दलदल युक्त जो भूमि है वो केदार कहलाई।
तो यहाँ पर जो भगवान का आविर्भाव हुआ तो वह श्री केदारनाथ जी के नाम से जाना गया, जो सतयुग के ही प्रारंभ से हैं। जो लिंग पहले मणिमय रत्नमय दर्शन देता था, त्रेतायुग में वही स्वर्णमय हुआ, द्वापर युग में वह रजत के रूप में दर्शन देता था। वर्तमान में हम सबकी पाषाण बुद्धि के कारण लिंग का दर्शन भी पाषाण रूप में ही होता है। यह सभी जानते हैं कि भगवान का ध्यान करने वाले साधक स्वर्णिम सिंहासन पर स्वर्ण रूप में स्वर्ण आभा के साथ करते ही हैं, लेकिन हम सब की अल्पज्ञता और पहुंच से बाहर होने के कारण, यानी कि हमारी जो एक एकाग्रता के अभाव में हम अब उस अध्यात्म से वंचित हैं। तो भगवान की पूरी कभी भी स्वर्णिम आभा की दर्शन साधकों को ध्यान आदि में देती है। तो भगवान केदारनाथ जी कभी कभी कोई देवता चैतन्य हो जाते हैं, तो वर्तमान समय में बाबा केदार अपने चैतन्य और प्रकट स्वरूप में हैं, जिन्होंने वर्तमान में भारत को ही नहीं विश्व को भी प्रतिनिधित्व बाबा केदार की कृपा से मिला है। और भगवान केदारनाथ जी के एकदम पीछे पार्श्व भाग में मेरु और सुमेरु भी हैं, और सुमेरु के बारे में कहा जाता है एक माला में भी सुमेरु होता है। जब हम देखते हैं 108 दाने के साथ में 109 दाना जो ऊपर से होता है उसको जप में नहीं लिया जाता, उसको घुमा लिया जाता है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य भी जब इस पृथ्वी भूमंडल की परिक्रमा करते हैं सौर मंडल में, तो उस समय वो इस सुमेरु को छोड़ देते हैं, अर्थात इस सुमेरु की ही वो परिक्रमा करते हैं। तो सुमेरु काफ़ी सहस्त्रों योजन लंबा चौड़ा है, 14 सहस्त्र योजन सुमेरु की लंबाई बताई जाती है, जो स्वर्णिम आभा से युक्त है, जिसकी तलहटी में सभी देवी देवता रमण करते हैं, और जिसकी अनुभूति ऋषियों ने भगवान केदारनाथ जी के एक शीतकालीन प्रवास में अनुभव भी किया है। और इसके पश्चिम दिशा में केदारनाथ जी के वासुकी ताल स्थित है, जो समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी जहाँ पर हमेशा ही विश्राम की अवस्था में विराजमान है। समुद्र मंथन में अत्यधिक थकान एवं शारीरिक श्रम के कारण उन्होंने भगवान शिव से यही वरदान मांगा कि हमको एक ऐसा विश्राम स्थल दिया जाए जहाँ पर हम निर्बाध रूप से विश्राम कर सके। तो वह स्थान वासुकी ताल है, जहाँ पर आज भी भगवान वासुकी विराजमान है। सुमेरु पर्वत के एकदम प्रारंभ में, जहाँ से पर्वत प्रारंभ होता है, वहाँ पर ब्रह्म गुफा नामक स्थान है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने साधना की थी, जो हम शायद पहले कह चुके हैं। और इसके एकदम पूर्व भाग में, जहाँ से भगवान सूर्य केदारनाथ जी को दर्शन देते हैं, यानी कि वो पहाड़ी, वह उसको हाथनी पर्वत भी कहते हैं। जब देवराज इंद्र भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करने आए, तो उनका हाथी उस पर्वत पर विराजमान हुआ, जब से उस पर्वत की आकृति हाथी के रूप में ही हो गई है। केदार के छोटे छोटे तीर्थ भी यहाँ पर अन्य भी हैं, जो मणिकर्णिका, जिस प्रकार से आपने काशी केदार महात्म एक पुस्तक पढ़ी होगी उसमें भी उसका उल्लेख दिया गया है। काशी में भी एक केदारनाथ है जो प्राचीन मंदिर है, वही महात्म या वही तीर्थ विस्तृत रूप में बाबा केदार के धाम में फिर पुनः प्रकट हुए हैं। तो कहा जाता है किसी काल में केदारनाथ भी काशी में विराजमान थे, कालांतर में वह सारे तीर्थ उठकर भगवान की कृपा से केदारनाथ में स्थापित हुए। तो एक मणिकर्णिका नामक लघु तीर्थ भी केदारनाथ में है, जो केदारनाथ का आदि तीर्थ है, या जिसको मणिकर्णिका भी कहते हैं। माता पार्वती जी के कान की मणि जहाँ पर गिरी वो मणिकर्णिका कहलाया। उदक कुंड, जहाँ पर का जलपान करने से कहा जाता है कि माता के गर्भ में पुनः शिशु जन्म नहीं लेता, यानी कि वो उस जीव को पुनः मातृ गर्भ में नहीं आना पड़ता, ऐसा उदक कुंड, अमृत कुंड और हंस कुंड। इस प्रकार से चार कुंड विशेष केदारनाथ में है। और भगवान केदारनाथ जी की धरती पर 5 गंगाएं भी विराजमान हैं, जिसमें प्रथम माँ मंदाकिनी, माँ सरस्वती, मधुगंगा, दूध गंगा और स्वर्ग से निकलने वाली एक गंगा, 5 गंगाएं भी यहाँ पर हैं। तो ये यहाँ का भौगोलिक और आध्यात्मिक वर्णन केदारनाथ जी का। गुरु
संन्यास दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, यानी कि पर्यायवाची भी कह सकते हैं। संग न्यासा इति संन्यासा, जो संघ का त्याग करे उसका नाम सन्यासी, जो मानसिक रूप से संघ का त्याग कर सके वह सन्यासी है। और वर्तमान में जो लोगों का एक प्रश्न रहता है कि हम भी सन्यास ले लें, सन्यास सभी भारत की सनातन संस्कृति का पालन करने वाले उन सभी साधकों और सभी सभी मानव जाति से एक विनम्र निवेदन, बाबा केदार की धरती से सहृदय और जोर देकर आंतरिक रूप से मानसिक बल देकर हम इस प्रश्न का एक उत्तर अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि सन्यास कोई विकल्प नहीं जीवन जीने का, सन्यास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सन्यास तो एक साधना का एक मार्ग है। जिसको साधना करनी हो वह सन्यास की ओर आए, और सन्यास की ओर आने की आवश्यकता नहीं है, साधक को साधना करने की आवश्यकता है। सन्यास के गुण धर्म तो परमात्मा और प्रकृति उसको अपने आप दे देते हैं। तो सन्यास कोई विकल्प नहीं, जो लोग कहते हैं कि हम सन्यास ले लेंगे तो साधना होगी, इस चीज़ को ध्यान रखें कि सन्यास लेके साधना कभी नहीं होती, साधना करने के बाद सन्यास जरूर होता है। इसलिए हमारी प्राचीन काल की पद्धति थी कि जब तक 12 वर्ष तक बटु ब्रह्मचारी, पहली बात तो यह है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम में साधक ब्रह्मचारी की साधना करते हुए विद्या अध्ययन करता था, तत्पश्चात समावर्तन के उपरांत वह गृहस्थ में जा सकता था, अन्यथा वह सन्यास की ओर अग्रसर होता था। तो 25 वर्ष तक उसको नियम और संयम का गुरुकुल में विधिवत, भगवान श्री राम ने भी गुरुकुल में जाकर जंगल से संविधा इकट्ठा करना, कंदमूल का एकत्रित करना, औषधियाँ एकत्रित करना, गौ सेवा करना, जो राजपुत्र थे और वो रघुकुल के उस महान जो दिव्यता से परिपूर्ण एक राज्य था, जहाँ पर देवता भी जिसकी सेवा में रहते थे, जहाँ वेद स्वयं प्रकट होकर गायन करते थे, यानी कि वेद पाठी को रखना नहीं पड़ता था, वेद स्वयं आके गायन करता था, ऐसे साम्राज्य के और स्वयं परमात्मा का अवतार जब इस धरती पर आता है तो वह भी गुरुकुल में जाकर सेवा, गुरु सेवा के उपरांत 12 वर्ष के उपरांत, तो वह तो समावर्तन के पश्चात गृहस्थ में आए, तो उस समय जो और भी उनके सहपाठी थे या पहले की परंपरा में विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि ने इस प्रकार अपनी गुरुजनों की सेवा करने के बाद ही संन्यास की ओर अग्रसर हुए। और एक चीज़ फिर से दोहराते हैं कि सन्यास कोई मार्ग नहीं है, सन्यास कोई विकल्प नहीं है, सन्यास एक साधना का बहुत बड़ा, सृष्टि में परमात्मा को पाने का सबसे बड़ा आधार, जिसका नाम है सन्यास। और जब बात आती है कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, गुरु का मतलब है भारी, गुरु का मतलब है वजनदार, और गुरु का शब्द का एक अर्थ भी होता है गु अर्थात अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, अंधकार को जो दूर करे उसका नाम है गुरु, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर एक यात्रा है, जिसको कहते हैं गुरु की प्राप्ति करना। गुरु कौन? तुम त्रिवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। गोस्वामी जी श्री रामचरित मानस में भगवान शिव को त्रिभुवन यानी तीनों लोक का गुरु बताते हैं, उनकी कृपा से किसी के भीतर वह गुरुत्व प्रकट होता है, उसमें से कुछ अंश हम ग्रहण कर सकते हैं और वह हमें करना चाहिए। और गुरु, ग्रंथ और पंथ, ये तीन चीज़ें साधना में अनिवार्य हैं। ग्रंथ सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, हम भारत की उस नव युवा चेतना से संपन्न पीढ़ी को एक विशेष संदेश देना चाहते हैं, यदि साधना करना चाहते हैं तो ग्रंथ का सहारा लें, और ग्रंथ हमको साधना का पंथ प्रदर्शित करता है, जिसका एक छोटा उदाहरण या कहें कि बड़ा उदाहरण हम सिख धर्म में देख सकते हैं, जहाँ पर कहा गया गुरु मानियो ग्रंथ, जहाँ केवल गुरु के रूप में ग्रंथ की ही पूजा होती है, उसी की सेवा होती है, और आप गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ का अनुशासन, वहाँ की सेवा, वह उस ग्रंथ की ही बदौलत है। तो हम जो भी हैं, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत इत्यादि का सहारा लेके हमारी वर्तमान नवयुवा पीढ़ी अपनी साधना के मार्ग को आगे बढ़ा सकती है। और हाँ, उसको समझने के लिए कुछ सत्संग और सेवा की आवश्यकता तो पड़ती है। देखिए, प्रलय एक शब्द आता है, जिसका एक सांकेतिक उदाहरण वर्ष 2013 में भगवान केदारनाथ जी ने भी प्राकृतिक रूप से दिखाया।
प्रलय का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से लय होना। तो शायद पृथ्वी जल पृथ्वी जल में लीन हो गई, जल अग्नि में और अग्नि वायु में और वायु आकाश में, तो सृष्टि का इस प्रकार से लय हो जाता है जब प्रलय काल आता है अंत में। इसी प्रकार से वर्ष 2013 में भी पृथ्वी जल में लय हुई और इतना ही परिवर्तन देखा गया, तो जिससे बाढ़ रूप में एक विकट आपदा आई जिसने काफ़ी बड़े स्तर पर मानव को क्षति पहुंचाई, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे वो आर्थिक रूप से हो। और अध्यात्म की तो क्षति तो नहीं हो पाई, अध्यात्म क्षति कभी भी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी बात को अर्जुन को कहते हैं, जब अर्जुन ने पूछा था कि कोई साधक हमारे मार्ग में चलता हुआ छत बिछत तो नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण ने उनको यही बताया कि यह कोई हवा मोड़ने वाला बादल नहीं है जो वायु की चपेट में आकर नष्ट हो जाएगा। एक कालांतर के बाद वो साधक यदि अगले जन्म में साधना प्रारंभ करता है तो वहीं से पुनः प्रारंभ वह उस साधना को करेगा और साधक का कभी ह्रास नहीं होता। इसी प्रकार से अध्यात्म भी कभी नष्ट नहीं होता। तो प्रश्न था प्रलय का, तो प्रलय का मतलब है प्रकृष्ट करके लय होना। शरीर नष्ट हो जाना कोई प्रलय नहीं है, जब तक मन परमात्मा में लय न हो जाए वो प्रकृष्ट लय नहीं है। सबसे बड़ी प्रलय तो तब आती है कि जब व्यक्ति वही होता है उसकी धारणा बदल जाती है। जिस प्रकार से राजा सुदोधन के राजपुत्र सिद्धार्थ जब संन्यास के उपरांत 12 वर्ष में बोध प्राप्ति के बाद, जब 12 वर्ष वह बोध गया के नीचे ध्यानावस्थित थे, तत्पश्चात जब वो भिक्षाटन में निकले तो जब वही एक राजा का राजपुत्र जब उसके द्वार पर खड़ा था तो वह एक राजपुत्र न होकर एक सन्यासी था। शरीर वही था, स्थिति वही थी, राजदरबार वही था, राजा भी वही था, लेकिन बस प्रलय हो चुका था। तो ये प्रलय का एक शाब्दिक तो नहीं आध्यात्मिक अर्थ है और वास्तविक अर्थ यही। ललित दास महाराज जी बहुत कम उम्र में केदारनाथ धाम आए, 2000 पहले से वो यहाँ पर पहुँचे थे। उस समय उनके मन में ऐसा नहीं था कि उन्होंने संन्यास लेना है, लेकिन 2013 की आपदा के बाद जब यहाँ पर जल प्रलय आई उसके बाद वो यहीं बस गए, संन्यास लिया और यहाँ पर योग ध्यान में उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। पहले वो एक गुफा में रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया और उसके बाद देश विदेश के जो साधु संत हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की सेवा भाव शुरू कर दिया। उनके आश्रम की स्टोरी हमने पहले भी आपको बताई थी कि किस तरह निस्वार्थ भाव से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं या साधु संत हैं उनकी सेवा की जाती है। हिमालय में योग ध्यान करना आसान नहीं है, इन विकट परिस्थितियों में जब टेम्परेचर -15, -30 तक चला जाता है उन परिस्थितियों में, लेकिन वो कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा हो श्री केदारनाथ धाम में जिस भी साधु संन्यासी पर अब उनकी कृपा बरस जाए तो फिर यहाँ का जो वातावरण है वो भी, जो इतनी विकट परिस्थितियाँ हैं वो भी उन साधु संन्यासियों के अनुकूल हो जाती हैं और उनको योग ध्यान करने में कोई दिक्कत नहीं आती। एकदम उससे भी बेहतर, उनका ज्ञान उनका व्यवहार एकदम अलग है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ सके हैं और इनके चरण को हम छू सके हैं। बहुत है सीखने के लिए, तो यस आशा करते हैं हम और भी लोग आए और भी सीखें। एक तो पहले बहुत अचंभा होता है कि इंसान ऐसी हालात में बिना किसी साधन के कैसे रह सकता है, ये सिर्फ भगवान की लीला है और इनकी तपस्या और प्रेरणा है जो कि हमको प्रेरित करती है कि हमें आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहिए और इन ऐसे साधुओं से मिलके ये लगता है कि जैसे हमारे बीच में जीवन का एक नया
प्रेरणा सूत्र मिल गया हो और हमें इससे और भी ऊर्जा मिलती है और इससे हम अपना जीवन अच्छी तरह से और व्यतीत कर पाएंगे। और यहाँ आके तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारी ये यात्रा धन्य हो गई, सफल हो गई। इनका व्यवहार किस तरह से ये बिल्कुल हंसी मजाक में आपको पूरी बातें समझा देते हैं, मतलब कि इतनी गूढ़ विद्या ये बिल्कुल आपको सरल भाषा में और हंसी मजाक करते हुए समझा देते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा इनका, इनके पास आके। और मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो हर साल हमें यहाँ बुलाए और हम यहाँ आश्रम में इनके साथ रहें और थोड़ा सा समय और व्यतीत करें। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उसके बाद मुझे केदारनाथ आने का अवसर मिला, जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन ये आया। और फिर मैं यही सोचती थी कि हिमालय की गोद में कितने तपस्वी हैं, उनके दर्शन किस तरह से होंगे, लेकिन सौभाग्य से इस आश्रम में, बर्फानी आश्रम में, महाराज ललित जी के से मुलाकात हुई, उनके दर्शन हुए। और ये बहुत सौभाग्यशाली बात है कि जो हम ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में ना पा सके वो हमको केदारनाथ में मिल गया। यहाँ की सादगी, उनका व्यवहार इतना माधुर्य है, वो किसी को भी अपना बना सकते हैं। यही नहीं, वो उनके जितने भी कर्मचारी हैं, उनका व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि मन को अंदर तक छू जाता है। केदारनाथ के हिमयोगी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स आगे भी कोशिश करेगा कि जो हिमालय में हिमयोगी हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाए, उनके साक्षात्कार लेकर जो उनके विचार हैं सनातन धर्म, हिमालय, जो हमारे पौराणिक मठ मंदिर हैं उनके बारे में। और निश्चित तौर पर जो केदारनाथ में या हिमालय में जो भी साधु संन्यासी साधना कर रहे हैं, अगर उनसे मिलते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उनसे, जब भी कोई भी आम इंसान उनसे मिलता है। तो ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।